नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों, आप है वो न्यूज़ का जो प्रूफ है वो सामने देख ही सकते होंगे। ये आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण में दोस्तों 3 जुलाई 2021 शनिवार यानी आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है दोस्तों प्रकाशित। तो यह राजस्थान के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए है। यह आप देख सकते हैं कॉलेज विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन नहीं, कमेटी सौंप चुकी है जून में ही रिपोर्ट। प्रमोट या परीक्षा अब सरकार के निर्णय का है, विद्यार्थियों को इंतजार। यह आप साफ साफ देख सकते हैं कॉलेज विश्वविद्यालयों की पिछले सत्र की परीक्षाओं के मामले में है वो अभी भी असमंजस कायम है। प्रोफेसर देव स्वरूप कमेटी बीते जून में सरकार को इस मुद्दे पर है वो रिपोर्ट सौंप चुके हैं। 10 जून को ही मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, लो यूनिवर्सिटी जयपुर की, उनके कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो 10 जून को सरकार को सौंप दी। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर फिलहाल अभी तक कोई भी निर्णय है वो इसको लेकर के नहीं लिया गया है। यह आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा कॉलेजिएट है, इसमें चाहे हम यूजी के विद्यार्थियों की बात करें, पीजी के विद्यार्थियों की बात करें, सेमेस्टर सिस्टम वाले विद्यार्थियों की, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की, बीएड के विद्यार्थियों की, डी फार्मा वाले विद्यार्थियों की बात करें, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं तो हर तरह के विद्यार्थी, बीएसटीसी के विद्यार्थी है वो असमंजस की स्थिति में है कि उनकी परीक्षाओं को लेकर के है वो राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र 2020-21 की सालाना और सेमेस्टर परीक्षाएँ नहीं हो सकी है। इसमें परिस्नातक, स्नातक और पीजी स्तर के 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी है। इस मामले पर निर्णय लेने से पूर्व हालात का आकलन कर सुझाव देने के लिए राज्य सरकार द्वारा है वो डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप जी की अध्यक्षता में है वो रिपोर्ट बनाई गई थी, जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंप चुकी है। यह आप देख सकते हैं असमंजस में है दोस्तों विद्यार्थी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर कुछ नहीं कहा है, ऐसे में उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने भी अभी तक फैसला नहीं लिया है। लगातार दोस्तों जब भी उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी से सवाल पूछा जाता है कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के, तो उनका यही कहना होता है कि हमने यूजीसी को पत्र लिख दिया है, यूजीसी की ओर से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। यूजीसी की ओर से जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा हम तुरंत है वो अपनी गाइडलाइन है वो जारी कर देंगे, जल्द से जल्द हम गाइडलाइन जारी करेंगे और यूजीसी यदि रिप्लाई नहीं देता है तो हम अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले करीब 25 दिन हो चुके हैं, विद्यार्थी लगातार वेट कर रहे हैं कि राज्य सरकार कब अपना अंतिम डिसीजन देगी। यदि मैं बात करूं भारत के अन्य राज्यों की, चाहे कोई सा भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, सभी में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के निर्णय लिया जा चुका है कि किन विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवानी है, किन्हें प्रमोट करना है। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की वहां पर परीक्षा भी चालू हो चुकी है और जिन कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है वहां पर उनको प्रमोट करके जो नेक्स्ट ईयर है उनकी पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। लेकिन राजस्थान में अभी यही नहीं पता कि जो पिछले सत्र की जो परीक्षाएँ हैं वो कब आयोजित होगी, और मानकर चलिए कम से कम 2 महीने का समय यदि परीक्षाएँ हैं वो आयोजित की जाती है तो लगेगा ही लगेगा। और जो सितंबर है उससे पहले राजस्थान में नया जो शैक्षणिक सत्र है कॉलेज विद्यार्थियों का वो शुरू नहीं ही होने वाला है। इससे जो राजस्थान के विद्यार्थी है वो भारत के जितने भी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है उनसे बिल्कुल दोस्तों आप देखेंगे कि पिछड़ जाएंगे, उनसे कंपटीशन करने के लायक नहीं रहेंगे और कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी दोस्तों है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको जैसे पता ही है कि SSC की ओर से भी है वो कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो चाहे CGL की परीक्षाएं हो चाहे CHSL की हो, अब उनका भी दोस्तों यदि परीक्षाएं आपकी जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में करवाई जाती है तो जो CGL की परीक्षाएं हैं वो बीच में अवश्य है दोस्तों कई स्टूडेंट्स की है वो दिक्कत करने वाली है कि वो कॉलेज की परीक्षाएँ दें या फिर जो CGL की है वो परीक्षाएँ दें। यदि विद्यार्थी CGL की परीक्षा देता है और यदि उसको वो क्लियर भी कर लेता है तो उसकी फाइनल ईयर है वो क्लियर नहीं होगी तो वैसे वो जॉब नहीं लग सकता, और यदि वो फाइनल ईयर की परीक्षा देता है तो
अपनी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं हैं वो नहीं दे पाएगा, तो राज्य सरकार बहुत ज़्यादा लेट कर चुकी है। ऐसे में हमारा राज्य सरकार से लगातार यही निवेदन है कि कॉलेज में जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है उन्हें आप जल्द से जल्द जनरल प्रमोट कर नेक्स्ट अकेडमिक ईयर की उनकी जो स्टडी है उसको तुरंत प्रभाव से वो स्टार्ट करवाइए, और जिन कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएँ महत्वपूर्ण हैं डिग्री की वैधानिकता के लिए, भविष्य के लिए, करियर को देखते हुए, तो उनकी परीक्षाओं को आप इस प्रकार से आयोजित करवाएं कि उनकी डिग्री की वैधानिकता भी बनी रहे और उनके सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज भी ना किया जा सके। इसके लिए चाहे ओपन बुक मोड में आप एग्जाम करवाएं, असाइनमेंट बेस्ड है वो एग्जाम करवाएं, या अन्य कोई मिश्रित मोड आप सोच करके विद्यार्थी हित में है वो जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, ताकि राजस्थान के जो करी कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी है चाहे किसी भी कक्षा के हो, यूजी के, पीजी के, पॉलिटेक्निक के, बीएड के, बीएसटीसी के, सभी को है वो उचित न्याय मिल सके और वो बिना मानसिक दबाव के वो तैयारी कर सके। यह आप देख सकते हैं असमंजस में है विद्यार्थी, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर भी कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने भी अभी तक फैसला नहीं लिया है, इससे विद्यार्थी भी भारी दुविधा में है। हालांकि विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के कारण 2 घंटे की परीक्षा और 60% प्रश्न हल करने का फैसला है वो पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद में जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा क्या निर्णय है वो दिया गया और उच्च शिक्षा विभाग इसको लेकर के क्या गाइडलाइन जारी करता है उसका इंतजार है। ये आप देख सकते हैं कि जो विकास गोरा जी है महानगर मंत्री है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनका क्या कहना है, और उसके बाद देखेंगे जो नवीन सोनी जी है NSVI के जिला अध्यक्ष है दोस्तों अजमेर के, उनका क्या कहना है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले विकास गोरा जी का कहना है, परीक्षाएं कराने अथवा नहीं कराने को लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए, हजारों लाखों विद्यार्थी परेशान है, एक तरफ उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई तो दूसरी तरफ है वो परीक्षाओं की तैयारी है वो करनी पड़ रही है। और इधर आप देख सकते हैं जो नवीन सोनी जी है उनका क्या कहना है, परीक्षाओं को लेकर के लाखों विद्यार्थी असमंजस में हैं, खास तौर पर तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी में डिग्री अंक तालिकाओं की जरूरत है, UGC केंद्र और राज्य सरकार स्तर पर परीक्षाओं को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं, इस पर है वो त्वरित फैसला होना चाहिए। और इसमें दोस्तों जो राज्य सरकार ने बड़ी भूल की है वो तो दोस्तों दिख ही रहा है, उनकी लापरवाही की वजह से है वो विद्यार्थियों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ में दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने भी दोस्तों बड़ी गलती की है, जब वो भारत के सभी उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो संस्थान है उनकी नियामक संस्था है तो उसको सबसे पहले है वो गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि उसी के आधार पर है वो सभी विश्वविद्यालय इस प्रकार से गाइडलाइन जारी करें, ताकि किसी भी विद्यार्थी को ऐसा ना हो कि एक राज्य के विद्यार्थी को, एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को ज़्यादा बेनिफिट मिले और दूसरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को है वो नुकसान का सामना करना पड़े। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार सबसे पहले यदि बोर्ड एग्जामों को रद्द करने का निर्णय है वो तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने लिया, उसके बाद में सभी राज्यों ने है वो अपनी बोर्ड परीक्षाओं को है वो रद्द करने का फैसला लिया, तो उसी प्रकार UGC को कोई इस प्रकार यूनिफॉर्म गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जो भारत के सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों पर है वो एक रूपता के साथ लागू हो सके। हमारा तो यही निवेदन है, आप किस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में है वो ज़रूर बताइए। विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के कोई भी और अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।